दिमाग चाहे कितना भी विकसित हो, पर उसकी सोच आज भी किसी गैर मौजूदा डर की कैद में, और यही डर उसके बिहेवियरल पैटर्न्स बनाने का काम करता है। डर कुछ करने के अंजाम से कुछ ना करने के अंजाम तक का एक अजीब डर। आखिर किस चीज का डर है? समाज से बहिष्कार का डर है या अपने को खोने का डर? सवाल उठने का डर है या अपने ही अस्तित्व को कहीं खो जाने का? अपने इन्हीं कुछ उलझनों के साथ स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की नाट्य संस्था आईना प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित दुख का नाटक ब्रह्मलोक। Oh,
सवाल उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ना ही अपने धर्म पर सवाल उठाऊंगा और ना ही उठने दूंगा। लेकिन मेरे तो पिता
पिताजी से ना वो गरीब ही थी, उनके पिताजी भाई साहब वो गरीब नहीं थे, उन निहत्थी गरीब थे, और कर क्या सकता हमारा खानदान गरीबों वाला, लेकिन भाई साहब मैं ना गरीब रहने में ज्यादा अमीर होना चाहता, बिल्कुल आपकी तरह उठना चाहता, मैं जाओगे उड़ना चाहते हैं क्या ऊपर से भी उड़ गए भाई, अरे नहीं इसका खेल आपका उदाहरण किया था तो
कुआरे के बेटे वेद व्यास ने भी ब्राह्मण जन के आधार पर ये विभाजन कभी ना हुआ था। समाज की व्यवस्था बनाए रखना ही इसका आधार था। मैं एक ब्राह्मण हूं तो क्या हुआ अगर मेरे पुत्र को वेद का ज्ञान समझ नहीं आता, मैं उसको किसी का दास नहीं बनने दूंगा। मेरा पुत्र भी मेरी तरह ब्राह्मण बनेगा। मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है, वेद व ग्रंथ सब में उत्तीर्ण। मेरा पुत्र मंत्री बनने योग्य है, परंतु वो मेरी तरह एक दास ही बनेगा, क्योंकि मैं एक शूद्र हूं। समझते थे आज खुद बन चुके उसके रक्षक। राजनीति के काले घेरे में फंस चुका हर एक इंसान दूसरे इंसान का पक्ष है। यदि हिंदू अस्मिता को छेड़ने की कोशिश की गई तो इस सरकार व न्यायपालिका को उधर देखने में संकोच नहीं किया जाएगा। हमारे ईस्ट के मंदिर में उन दूषित महिलाओं का प्रवेश, हमारी धार्मिक आस्था के पूर्णतः खिलाफ है। इस वोट बैंक की राजनीति ने मेरी मुस्लिम माताओं बहनों के साथ बहुत क्रूरतापूर्वक अत्याचार किए। तीन तलाक जैसी बर्बर प्रथाओं को हम खत्म करेंगे। आप हमें वोट दीजिए, मुस्लिम माताओं बहनों को न्याय हम दिलवाएंगे। Thank you.
लग रहा है। और ना जाने ऐसे कितनी हजारों चीजें हैं जिसको हमने ऐसे धर्म से बेवजह जोड़ दिया। अब हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि हमें जरूरत है अपने इस बिलीफ और ट्रेडिशंस को बदलने की, जरूरत है तो बस समझने की, जरूरत है तो बस सही और गलत में फर्क जानने की, जरूरत है तो अपने इस भ्रम सोच से बाहर निकलने की और इस समाज को भ्रम से मुक्त करने की, और ये जानने की कि हमारे रिलीजन से ही हमारा